मुझे 21 साल हो गए हैं जिमिंग करते हुए, 21 साल। शायद पता नहीं आपको मुझे देख करके लग रहा हूं, ये लग रहा हूं कि मैं 21 साल से फिटनेस से जुड़ा हुआ हूं, जिम कर रहा हूं। और आज से 21 साल पहले जो पहली शाम जब अगली सुबह मैं जिम जाने वाला था, जो पहली शाम वो जिम के लिए मेरा आकर्षण, वो क्रेज, वो जुनून जो उस दिन था, और आज 21 साल बाद भी अगली सुबह से पहले के शाम मेरे अंदर वही क्रेज, वही जुनून और वही आकर्षण उसके लिए रहता है। आज पिछले दो दिन पहले की बात है, सुबह सुबह 6 बजे का समय था, मैं उठा नहीं था, फोन की घंटी, मेरे मित्र ने फोन की घंटी बजाई और मेरा फोन गड़गड़ाता, मैं उससे उठता हूँ और फोन कर मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि भाई क्या बात, अभी तक उठे नहीं, आज जिम नहीं जाना आपको? तो मैंने उससे बोला कि बिना जिम जाए तो रोटी भी मेरे गले से नहीं उतरती। तो इतने में उनका कहना था, आप बड़े नसीब वाले हैं कि इतनी भागम भाग वाली दौड़ की जिंदगी में भी इतने सालों से अपने पैशन को, अपने शौक को कर पा रहे हैं। लेकिन मैं मुस्कुराया और मैंने उनसे कहा कि भाई इसके पीछे नसीब में नहीं, इसके पीछे मेरा जुनून, मेरी जेब और मेरा जिम के लिए इश्क है। यही मैं अपने खिलाड़ियों के लिए, आपको जो भी इस मंच पर आए हैं, वे इतने सालों की कड़ी मेहनत, जुनून, जिद और इश्क की बदौलत, सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद उस हिम्मत को और उस हौसले को जगा के इस स्टेज पर खड़े हो पाते हैं और इस स्तर पर बन पाते हैं कि यहां से ट्रॉफी और खिताब जीत के ले जा सके। अंत में अपने सभी युवा भाइयों के लिए और अपने इनको भी शुभकामनाओं का संदेश देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसला से उड़ान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।